हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स सर। आज हम बात करेंगे मैथ्स में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज को जानने से पहले हम एक थ्योरम करेंगे, पास्कल थ्योरम, जो कि हमारी हेल्प करेगी इन आइडेंटिटीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्कल थ्योरम क्या होती है? हमने क्या क्या करना है? पहली रो में 1 लिख देना है, नेक्स्ट रो में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड 1 लिख देना, और सेंटर में एक गैप छोड़ देना, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखनी। सिमिलरली थर्ड रो में लेफ्ट साइड और राइट साइड 1 लिख देना, सेंटर में जो टर्म आएगी वो ऊपर वाले दोनों टर्म का एडिशन होगा, यानी कि 1 प्लस 1 2। सिमिलरली नेक्स्ट रो में क्या आएगा, 1 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, एंड यहाँ इस साइड 1। सेम नेक्स्ट रो में 1 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, एंड इस साइड आ गया 1। तो ये थी हमारी पास्कल थ्योरम। अब इसके बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे आइडेंटिटीज को। तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें हम एक बार देखेंगे कि जितनी हमारी डिग्री होगी उससे एक ज़्यादा इसकी टर्म्स होगी। क्या होगा कि जितनी इसकी डिग्री होगी उससे एक ज़्यादा इसकी टर्म्स होगी, यानी कि यहाँ 3 टर्म्स आएंगी। अब हम देखेंगे पास्कल थ्योरम की हेल्प से कि 3 टर्म्स वाली कौन सी रो है। ये रही हमारी 3 टर्म्स वाली, 1 2 1, 3 टर्म्स आ गई, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर है तो a हाईएस्ट डिग्री a स्क्वायर, 1 वाली साइड b हाईएस्ट डिग्री 2, एंड जब हम इस साइड से इस साइड जाएंगे तो ये क्या होगा, पावर इसकी एक कम होती जाएगी a, एंड जब इस साइड से इस साइड जाएंगे तो b की पावर कम हो जाएगी, यानी कि ये आ गया ab। अब हम देखेंगे कि ये इसमें किसका साइन है, प्लस का साइन है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इस सभी टर्म्स में प्लस का साइन आ जाएगा। तो बेसिक से हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारी आ गई आइडेंटिटी इसके पास्कल थ्योरम के बेसिस के ऊपर। अब हम बात करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर। अब a प्लस बी के स्क्वायर और a माइनस बी के स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। तो सेम 2 डिग्री है, तो इसमें भी कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें साइन क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्टरनेटिव साइन लेंगे, यहाँ प्लस माइनस एंड प्लस, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आ गया ए माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे हम आइडेंटिटी का रट्टा नहीं लगाना, पास्कल थ्योरम के बेसिस पर हम इसे बना लेंगे। तो आगे देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब ये क्या होता है। अब यहाँ देखिए डिग्री क्या है, 3 है, तो इसकी टर्म कितनी होगी, 4 टर्म्स होंगी, 1 2 3 एंड 4। अब हम देखते हैं पास्कल थ्योरम में 4 टर्म वाली कौन सी इक्वेशन है। ये रही हमारी रो 1 3 3 एंड 1, इसमें कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 1 3 3 एंड 1। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 1 3 3 1। अब हम 1 के साथ क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ a a क्यूब, और यहाँ 1 पे के साथ क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ b क्यूब। अब जब हम इस साइड से इस साइड जाएंगे a की पावर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, a क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा a। और जब हम इस साइड से इस साइड आएंगे b क्यूब की पावर कम होती जाएगी, यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा b। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला a प्लस b का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। अब इसमें क्या है, प्लस का साइन है, तो सभी टर्म्स में प्लस का साइन ही आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आता है, 3ab कॉमन आता है, तो अंदर क्या रह जाएगा, ए प्लस बी। ये आ गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। सेम वे में हम सॉल्व करेंगे ए माइनस बी का क्यूब। ए माइनस बी का क्यूब ये क्या होता है,
डिग्री है तो इसमें भी फोर टर्म्स आएंगी। पहली क्या आएगी? ए क्यूब, दूसरी ए स्क्वायर बी, थर्ड ए बी स्क्वायर ए एंड थ्री बी क्यूब, सॉरी वन वन बी क्यूब। तो अब इसमें क्या है? साइन माइनस का है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? अल्टरनेटिव साइन लगा देंगे, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, थ्री ए बी ब्रैकेट में रह जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी क्यूब, ये आ गया हमारा सिंपल सा फॉर्मूला ए माइनस बी क्यूब का। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो आगे हम बात करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में। इसका ये फॉर्मूला सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? हमें ये इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी ए प्लस बी क्यूब की। तो चलिए हम देखते हैं इसे सॉल्व करने से पहले, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है? ए क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो अब हमें क्या चाहिए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो हम ये वाली टर्म इस साइड ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, ए प्लस बी ये किसके इक्वल है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल। तो अब हम इसे और सिंपलीफाई कर लेते हैं, इन दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन आती है? ए प्लस बी कॉमन आ रही है, तो हम इसे निकाल लेंगे, अंदर क्या रह गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, तो इक्वल क्या है इसके? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए प्लस बी का स्क्वायर को खोल लेते हैं, क्या आएगा? ए प्लस बी, अंदर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस थ्री ए बी, ये किसके इक्वल है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। अब माइनस थ्री ए बी में से टू ए बी निकालेंगे तो कितना आएगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला आ गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। सिंपल सा था, पहले हमने क्या किया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी का क्यूब लिया, उसका फॉर्मूला लिखा, उसके लिए हमने इन दोनों को एक साइड का लिया, बाकी टर्म्स इक्वल के उस साइड ले गए, वो आ गई माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी, इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन किया, टू ए बी में से माइनस थ्री ए बी किया तो माइनस ए बी आ गया, तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। सेम वे में हम बात करेंगे ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। अब हमें क्या चाहिए? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम इसी साइड में रहने देंगे, ये सारी पूरी टर्म को हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, यानी कि ये क्या बन जाएगी? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इन दोनों में से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, वो हम निकाल लेते हैं, ए माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी, ये किसके इक्वल है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। ए माइनस बी बाहर, अंदर क्या था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी
3 ये भी इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब से। अब हम ए माइनस बी की आइडेंटिटी को खोल लेंगे, ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर प्लस 3ab। अब हम 2ab में से 3ab माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस वे से हम आइडेंटिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।